जैसे धीरू मुंशी को और बाकी यूट्यूबर्स ने भी एमवे के नए सॉन्ग पर रिएक्ट करा था, तो फाइनली अब जोगिंदर और फुकरा इंसान ने भी करा है। तो एक बार वो लाइव आए हुए थे, तो उन्होंने लाइव में देखो क्या बोला है एमवे के बारे में। ये एक बात गलत लगी कि उन्होंने थोड़ी गाने की रोच यूज की थी इस बार, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं सपोर्ट दोनों को ही करता हूँ, स्टार्टिंग में दोनों को सुनता था, आज भी दोनों को सुनता हूँ, बट इस टाइम भाई रफ्तार भाई इसलिए क्योंकि मेरे को विश्वास है कि भाई वो गाने यूज नहीं करेंगे। यार वो रैपर तो सब ठीक ठाक ही है, बस रफ्तार है भाई। और भाई देखो डिस तो दुनिया निकालती है दूसरे के ऊपर, जो ऊपर निकलता है उसके ऊपर तो डिस आते ही आते हैं। एमवे ने काफी अच्छा काम किया था इसलिए पब्लिक ने उसको डिस किया, बट अब एमवे ने गलती कर दी ना, गाली वगैरह काफी डिस में निकाल के, क्या पता पब्लिक उससे अब दूर हो जाए, हो सकता है ये भी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बता देना। सो नेक्स्ट अपडेट आ रही है डिनो जेम्स की तरफ से। डिनो जेम्स भी लाइव आए हुए थे, तो वहाँ पे किसी ने एमवे के डिस्क के बारे में पूछा और एमवे के साथ कोलैबोरेशन के लिए पूछा, तो देखो उन्होंने क्या बोला एमवे के बारे में। बंटा है मेरा भाई, मोर पावर टू हिम, टू ऑल द रैपर्स। एमवे एमवे का गाना यार सुना, इट्स अ वेरी हार्ड सॉन्ग। एमवे बंटा के साथ कब कोलैब, तो देखते हैं यार वाइब। यार आई मीन वी आर इन टच, वी कीप टॉकिंग, देखते हैं जब वाइब बनेगी, जब उसको मेरे को लगेगा कि गाने में हम लोग को साथ में आना चाहिए, तो व्हाई नॉट, वी विल डेफिनेटली डू इट। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता देना और ऐसे ऐसे अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।